गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल इज द सेंट्रल लोकेशन फ्रॉम वेयर यू कैन मैनेज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फॉर अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोल पैनल कंप्यूटर का सेंट्रल लोकेशन होता है, जहां से आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लगभग सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। दिस पैनल इज यूज टू मेक चेंजेस टू वेरियस सेटिंग्स ऑफ आ कंप्यूटर सिस्टम सच एज। इस पैनल का यूज कंप्यूटर सिस्टम में वेरियस सेटिंग चेंज करने के लिए किया जाता है, जैसे विंडोज लुक्स सच एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसमें विंडोज डेस्कटॉप बैकग्राउंड की तरह दिखता है। डेट एंड टाइम सेटिंग्स, इसमें डेट और टाइम की सेटिंग कर सकते हैं। कीबोर्ड एंड माउस सेटिंग, इसमें कीबोर्ड और माउस की सेटिंग कर सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग, इसमें नेटवर्क सेटिंग भी की जा सकती है। प्रोग्राम इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल, इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल और रिमूव भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द सेटिंग्स ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग द कंट्रोल पैनल ऑप्शंस। कंट्रोल पैनल ऑप्शन के यूज से आप कंप्यूटर से कनेक्टेड डिवाइसेस की सेटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। टू ओपन द कंट्रोल पैनल फॉलो दीज स्टेप्स। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सेकेंड, ऑन द राइट पेन सेलेक्ट द विंडोज सिस्टम ऑप्शन। राइट पेन में विंडोज सिस्टम ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक कर देंगे। थर्ड, क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, उसके बाद कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे। द कंट्रोल पैनल विंडो अपीयर्स एज शोन इन फिगर। कंट्रोल पैनल विंडो ओपन हो जाएगी और जैसे फिगर में आपको दिख रही है। कंट्रोल पैनल की 8 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। सेकेंड, नेटवर्क एंड इंटरनेट। थर्ड, हार्डवेयर एंड साउंड। फोर्थ, प्रोग्राम्स। फिफ्थ, यूजर अकाउंट्स। सिक्स्थ, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। सेवेंथ, क्लॉक एंड रीजन। एट्थ, ईज ऑफ एक्सेस। इन सभी कैटेगरीज के अलग अलग वर्क होते हैं। जैसे सिस्टम एंड सिक्योरिटी कैटेगरी से ओवरऑल ऑपरेशन और सिक्योरिटी को सेट किया जाता है। नेटवर्क एंड इंटरनेट कैटेगरी से कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कई कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है। हार्डवेयर एंड साउंड कैटेगरी से कनेक्टेड हार्डवेयर की सेटिंग को कंट्रोल किया जाता है। प्रोग्राम कैटेगरी से कंप्यूटर से प्रोग्राम को अनइंस्टॉल किया जाता है। यूजर अकाउंट कैटेगरी से डिफरेंट यूजर्स के अकाउंट को हैंडल किया जाता है। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन कैटेगरी से कंप्यूटर के अपीयरेंस को कंट्रोल किया जाता है। क्लॉक एंड रीजन कैटेगरी से टाइम, डेट और लैंग्वेज सेट किया जाता है। ईज ऑफ एक्सेस कैटेगरी से माउस, कीबोर्ड की सेटिंग चेंज की जाती है। चेंजिंग डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम चेंज करने का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट, सिलेक्ट एंड क्लिक क्लॉक एंड रीजन कैटेगरी इन द कंट्रोल पैनल विंडो। कंट्रोल पैनल विंडो में क्लॉक एंड रीजन कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे।
सेकंड क्लिक ऑन डेट एंड टाइम, उसके बाद डेट एंड टाइम पर क्लिक कर देंगे। द डेट एंड टाइम विंडो अपीयर्स, उसके बाद डेट एंड टाइम का विंडो ओपन हो जाएगा। थर्ड क्लिक ऑन चेंज डेट एंड टाइम, उसके बाद चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक कर देंगे। फोर्थ चेंज द डेट एंड टाइम इन द डेट एंड टाइम सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स, उसके बाद डेट एंड टाइम सेटिंग डायलॉग बॉक्स से डेट एंड टाइम चेंज कर देंगे। क्लिक ऑन ओके टू कंफर्म द चेंजेस, उसके बाद चेंजेस को कंफर्म करने के लिए ओके पर क्लिक कर देंगे। चेंजिंग माउस सेटिंग्स, टू चेंज माउस पॉइंटर साइज एंड कलर फॉलो दीज स्टेप्स। माउस पॉइंटर के साइज और कलर को चेंज करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट सेलेक्ट द हार्डवेयर एंड साउंड कैटेगरी इन द कंट्रोल पैनल विंडो। कंट्रोल पैनल में हार्डवेयर एंड साउंड कैटेगरी को हम सेलेक्ट करेंगे। द हार्डवेयर एंड साउंड स्क्रीन अपीयर्स, हार्डवेयर एंड साउंड की स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। सेकेंड अंडर द डिवाइसेस एंड प्रिंटर सेक्शन क्लिक ऑन द माउस लिंक। डिवाइसेस एंड प्रिंटर सेक्शन के माउस लिंक पर क्लिक करेंगे। द माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, माउस प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। द बटन टैब इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, बटन टैब को डिफॉल्ट रूप में सेलेक्ट करेंगे। थर्ड इन द बटन कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन यू मे सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ यू यूज माउस विद योर लेफ्ट हैंड। अगर आप माउस को लेफ्ट हैंड से यूज करते हैं तो आप बटन कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन के चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ इन द डबल क्लिक स्पीड बॉक्स मूव द स्लाइडर बार टू इंक्रीज और रिड्यूस द डबल क्लिकिंग स्पीड ऑफ द माउस। डबल क्लिक स्पीड बॉक्स में स्लाइडर बार को मूव करने से माउस की डबल क्लिकिंग की स्पीड बढ़ाई या घटाई जा सकती है। फिफ्थ क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन क्लिक ऑन ओके। इन लास्ट अप्लाई पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। पावर सेविंग मोड्स, द पावर प्लान मैक्सिमाइजेस योर कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस। पावर प्लान आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। टू कस्टमाइज अ पावर प्लान फॉलो दीज स्टेप्स। पावर प्लान को कस्टमाइज करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट सेलेक्ट द पावर ऑप्शंस कैटेगरी इन द हार्डवेयर एंड साउंड स्क्रीन ऑफ द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के हार्डवेयर एंड साउंड कैटेगरी में पावर ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। द पावर ऑप्शंस स्क्रीन अपीयर्स, उसके बाद पावर ऑप्शन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सेकेंड द बैलेंस्ड रिकमेंडेड ऑप्शन इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। पावर प्लान में टू ऑप्शंस होते हैं, बैलेंस रिकमेंडेड एंड पावर सेवर, जिसमें हम बैलेंस रिकमेंडेड को बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द चेंज प्लान सेटिंग लिंक, उसके बाद हम चेंज प्लान सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अ न्यू स्क्रीन कॉल्ड एडिट प्लान सेटिंग्स अपीयर, एक नई स्क्रीन ओपन होगी
जो एडिट प्लान सेटिंग स्क्रीन कहलाती है। थर्ड, मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन सेटिंग्स। सेटिंग्स में जरूरत के अनुसार चेंजेस करेंगे। फोर्थ, क्लिक ऑन द सेव चेंजेस बटन। इसके बाद सेव चेंजेस बटन पे क्लिक कर देंगे। थैंक यू।